Hey guys, welcome back again on channel. USB. आप हर दिन मोबाइल चार्ज करने या कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस USB केबल का इस्तेमाल करते होंगे, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि USB का इन्वेंशन किसने किया? आमतौर पर किसी इन्वेंशन की बात आती है तो मैं आपको किसी फॉरेन इन्वेंटर के बारे में बताता रहता हूँ, और आपके दिमाग में भी ऐसी इमेज बन गई है कि इन्वेंशन तो कोई विदेशी ही कर सकते है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं, हम भारतीयों ने भी ऐसे कई सारे इन्वेंट किए जिसके लिए हमें कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। आमतौर पर हमें किसी की अप्रिसिएशन की या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, मतलब कि सारी दुनिया एक परिवार है। इसके लिए हमें कई सारे ऐसे इन्वेंट किए हुए हैं जो कि रॉयल्टी फ्री है, मतलब कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है और उसमें रिसर्च भी कर सकता है। और उसी के तहत एक इन्वेंशन है USB का। आपको जानकर गर्व होगा कि USB के आविष्कारक के पीछे किसी विदेशी का नहीं बल्कि एक भारतीय का हाथ है। तो आइए जानते हैं USB के इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेट। आज के समय हम लाखों USB डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम अपने कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर, एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। और शायद अगर USB का इन्वेंट ना हुआ होता तो शायद इतने सारे डिवाइस एक कंप्यूटर में कनेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। USB के इन्वेंशन से लेकर 21st सेंचुरी तक USB के 6 वेरियंट अवेलेबल है। USB टाइप ए, USB टाइप बी, USB माइक्रो, USB माइक्रो सुपर स्प्रेडर, USB टाइप सी, USB थंडरबोल्ट 3 और 4। इस वेरिएंट के अलावा अलग अलग वर्जन भी आते रहते हैं, जैसे कि 3 USB 2.0, जो कि 480 MB पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, USB 3.0, जो 5 GB पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है, और USB 3.1, जो 10 GB पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है, और USB 3.2, जो 20 GB पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर USB का इन्वेंट किसने किया। USB का इन्वेंट का आइडिया गुजरात के एक शहर वडोदरा में रहने वाले अजय भट्ट ने किया है। उन्होंने कॉलेज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से खत्म करने के बाद न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सिटी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर कंप्लीट करने के बाद अजय नौकरी की तलाश में निकल पड़े। जल्दी उन्हें नौकरी भी मिली और फिर इस कंपनी से दूसरी कंपनी तक नौकरी स्विच करने का सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला 10 साल तक चला। 10 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आखिरकार एक कंप्यूटर बनाने वाली और कंप्यूटर के डिवाइस बनाने वाली कंपनी इंटेल का हिस्सा बनी। इंटेल में अजय को मल्टी प्रोसेसर की विंग में शामिल किया गया था। धीरे धीरे जैसे ही इंटेल की क्रेडिट बढ़ती गई, वैसे वैसे ही अजय का भी कद बढ़ता गया, और उन्होंने इंटेल को कई सारे नए नए डिवाइस इन्वेंट करके दिए। USB का इन्वेंट भी इसी इन्वेंट में से एक था। कहते हैं कि USB बनाने का आइडिया उन्हें अपने घर से मिला था। अजय जब एक दिन अपने प्रिंटर से प्रिंट ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि इसमें काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उस वक्त पे। अजय इसका कोई तोड़ निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने का पहल की जो कि इसकी इस प्रोसेस को काफ़ी आसान और काफ़ी तेज कर दे। अजय जिस डिवाइस को बनाने की सोच रहे थे उसे बनाना आसान नहीं था। हालांकि उन्होंने इसका प्रोटोटाइप और आउटलाइन तैयार कर रखा था, पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस आइडिया को अपनी कंपनी से कैसे शेयर करें, क्योंकि उनका आइडिया चोरी होने की खतरा था, और दूसरा कि टेक वर्ल्ड में लोग हजारों आइडिया लेकर आते रहते हैं, इसके लिए कंपनी हर आइडिया पर काम करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी अजय ने अपनी कंपनी के सामने कदम बढ़ाते हुए एक प्रपोजल रख दिया। शुरुआत में अपनी टीम को राजी करने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, बट एट द एंड उन्होंने अपनी टीम को मना लिया और शुरुआत हो गया USB के क्रिएशन का। काम में अजय के साथ कई सारे बड़े बड़े टेक जीनियस भी लगे। अजय की कई सालों की मेहनत और कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ ये समस्या थी कि उसके सामने एक टास्क था कि USB को वर्ल्ड लेवल के सभी कंप्यूटर के लिए बनाना था। इंटेल ने इस बात को समझते हुए अपने साथ कॉम्पैक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी 7 बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इससे अजय की खोज को काफ़ी आसानी हो गई, और लंबे समय की मेहनत और कड़ी लगन के बाद 1995 में USB का बेसिक फॉर्म देने में अजय कामयाब रहे। USB के वो 1996 में आखिरकार बाजार में उतारा गया। अजय भट्ट ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बनाई कोई चीज कंप्यूटर के यूनिवर्स में इतना बड़ा बदलाव लाए। उस समय के मुकाबले मॉडर्न USB कई गुना तेज है। अजय अपने इस खोज के लिए खूब अप्रिशिएट किए गए। यहाँ तक कि GQ मैगजीन ने अजय को दुनिया के सबसे 50
इन्फ्लुएंसर लोगों के लिस्ट में रखा था। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।